नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में बताने कैसे आप लोग सीबी रेटिंग कर सकते हो। मुझे पता है वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हो तो आप लोगों को सीबी रेटिंग के रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पिक्सार आपको ओपन कर लेने, करने के बाद इफेक्ट में चले जाना, जाने के बाद आप लोग कलर्स पर आप लोग क्लिक कर देना। करने के बाद आप लोगों को सैचुरेशन में आप लोग क्लिक करके इसको 70 या फिर 80% रख सकते हो। रखने के बाद आप लोग डी सेलेक्ट करके आप लोगों को ब्रश वाले टूल के मदद से जहाँ जहाँ आपको सैचुरेशन बढ़ानी है आप लोगों को सैचुरेशन को आप लोग को ठीक से बढ़ा लेना है, ठीक है। सैचुरेशन बढ़ाने से क्या होता है, आपका फोटो में जो कलर है वो अच्छे से आता है, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ पे फोटो में कलर ज़्यादा चाहिए उसमें आप लोग सैचुरेशन को सिंपली यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको जो थोड़ा सा कम बड़ा या ज़्यादा या कम कर सकते हो। करने के बाद आपको सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको चले जाना है ब्रश वाला टूल पर। चले जाने के बाद आपको यहाँ पे बोके या फिर इफेक्ट को आप लोग ऐड कर लेना है सिंपली बैकग्राउंड में, ठीक है। जितना चाहो आप इतना इसको ऐड कर सकते हो सिंपली, ठीक है। उसके ऐड करने के बाद आप लोगों को सेकेंड में आप लोगों को एक और बोके यहाँ पे मिल जाएगा। आपको आपको यहाँ पे उस बोके को भी यहाँ पे ऐड कर लेना। आपको इंटरनेट को ऑन करके एडिटिंग करिएगा तो देख सकते हैं। करने के बाद आप लोगों को फिर से इफेक्ट में चले जाना। जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्लर इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको सबसे पहले जो ब्लर आपको देखने को मिलेगा इसको आप लोग क्लिक करिए। करने के बाद आपको इसको ब्रश के मदद से जहाँ जहाँ पर आप लोग ब्लर रखना है बैकग्राउंड में आप लोग ब्लर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिंपली देख सकते हो मैं कैसे कैसे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लर को। तो पूरा एरिया पे आप लोग ब्लर इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको चेहरे में या फिर आपको कपड़ों में ब्लर इफेक्ट ऐड ना हो। तो आप लोगों सिंपली उसको जहाँ पे आप लोग नहीं चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रबर के मदद से आप लोग साइड में अच्छे से देखते हो। अगर गलती से आपका कहीं पर ऐड हो जाता है उसको आप लोग यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है, रिमूव कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देकर इसको करना है। करने के बाद राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद आप लोगों को फिर से इफेक्ट में चले जाना है। जाने के बाद आप लोगों को चले जाना है आर्टिस्टिक में। आर्टिस्टिक में जाने के बाद आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे फेटल कम में जाने के बाद आप लोग नंबर वन को करना है। करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड में आप लोग इसको ऐड कर लेना अच्छे से। तो देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा ब्लैकिश यहाँ पे और ब्लैक एंड पूरा हाईलाइटेड कलर यहाँ पे ऐड होकर आ रहा है। तो इसको करने का ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि इसको जितना आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे आप लोग पूरा बैकग्राउंड में आपका जो यहाँ पे टी शर्ट है या फिर आपका पैंट है आप लोग ऐड कर लेंगे। तो इसको करने क्या होता है, आपका जो फोटो है वो ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोगों को फेस में उसको अप्लाई नहीं करना है। आप लोग चाहो तो आपका हेयर में भी उसको अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो मैं कैसे ऐसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐड इसको सिंपली करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसका जो फेट को जितना ज़्यादा आप चाहो तो इसमें रख सकते हो। रखने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना। करने के बाद आप राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको फिर से इफेक्ट में चले जाना। जाने के बाद आर्टिस्टिक में जाने के बाद आप लोगों को ऑयल पेंट पर आप लोग क्लिक कर देना है। करने के बाद ब्रश के मदद से जहाँ पे आप लोगों को ऑयल पेंट करना है, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को पूरा टी शर्ट में आप लोग ऑयल पेंट कर लेना है, यहाँ पे पैंट में आप लोगों को ऑयल पेंट कर लेना है, और उसका थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके आप लोग बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा जो कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे ही सी बी एडिटिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक कर देना। करने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे फोटो में जो आपका आई में मैं अगर पूरा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आपको आई में आप लोग ब्लर ब्लर से दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि फोटो की क्वालिटी थोड़ा सा घट जाती है। इसमें आप लोग क्या करना है, इस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। करने के बाद उस फोटो को आप लोगों को उसके ऊपर ऐड करके जहाँ पे आप लोगों को चाहिए कि मैं पहले वाला फोटो रहे, मैं जैसे कि बता लूँगा कि आपको आई में या फिर आईब्रोज में या फिर आपको जो लिप्स में वहाँ पे आप क्या करें पीछे वाले लेयर को पे ऐड कर ले, ठीक है। तो देख सकते हो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। उसमें जो क्वालिटी है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। देख सकते हो इससे आप लोग क्वालिटी जो है वो कम नहीं होगी आपकी फ़ोटो की। तो इससे इतना आप लोग कर सकते हो। करने के बाद राइट क्लिक कर देना सिंपली। तो देख सकते हो हमने फोटो में एडजस्ट कर लिया इसको। करने के बाद साइड वाले टूल पर चले जाके जाने के बाद आप लोगों को एडजस्ट वाले बटन पर चले जाना। जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बस दो या चार कलर को आप लोग एडजस्ट कर लेना, हाईलाइट या फिर शेडो को आप लोग ऐड करके आपके फेस में उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। देख सकते हो मैं कैसे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। पूरे फेस में आप लोग ऐड कर लेना और हैंड पे भी आप लोग ऐड कर लेना है। जहाँ पे नहीं चाहिए आप लोगों को यहाँ पे रबर के मदद से आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। मैं बताऊँगा आप लोगों को लिप्स में या फिर आइज़ में आप लोग उससे रिमूव कर लीजिएगा हाईलाइट को, ठीक है। बस आप लोगों को फेस में आप लोग रखिएगा। देख सकते हो मैं कैसे कैसे रख रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरा एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इतना करने के बाद राइट क्लिक कर देना फिर से आप लोगों को। तो देख सकते हो हमारा फोटो कितना बढ़िया बन चुका। इसको आप लोग यहाँ पे ऐड फोटो में चले जाना। जाने के बाद मैं यहाँ पे एक PNG ऐड करूँगा, लाइट PNG। तो यहाँ पे लाइट PNG को साइड में ऐड करके आप लोगों को जो जहाँ पे आप लोगों को एडजस्ट करके लगाना है उसको आप लोग यहाँ पे एडजस्ट करके लगाइए। लगाने के बाद ब्लेंडिंग मोड को चेंज करिए, इसका जो है स्क्रीन कर दीजिए। करने के बाद इसका डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए, इसको डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद बैकग्राउंड में इसको ऐड करिए। ऐड करने के बाद उसको ब्लेंडिंग मोड को जाके इसको आप लोगों ऐड लेयर कर लीजिएगा। करने के बाद उसको फिर से एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है आप लोगों को, इसका ओपेसिटी को कम कर लेना आप लोगों को सिंपली।
जितना आपका ओपेसिटी जो बैकग्राउंड के साथ मैच करो उतना आप लोग ओपेसिटी रखना है इसको। मैं जैसे कि 38 रख रहा हूँ यहाँ पे, और इसका डुप्लीकेट लेयर बना के आप लोग पूरा जो बैकग्राउंड पे ऐड कर लेना। देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा बैकग्राउंड जो हाईलाइटेड हो गया। इसको हम लोग एच डी क्वालिटी पर सेव करने के लिए देख सकते हो नीचे चले जाना, जाने के बाद में जैसे जैसे कर रहा हूँ आप लोगों को सिंपली ऐसे स्टेप में कर लेना है। ब्रश को सिलेक्ट करके ब्रश का साइड 1 रखना है, उसका जो ओपेसिटी 100% रखना, नीचे एक लाइन खींच देना। खींचने के बाद थ्री डॉट में जाकर फोटो को सेव कर लेना है। इस फोटो सेव किया फोटो को आप लोगों क्या करना है, स्नैपशॉट ऐप में ओपन कर लेना है। तो देख सकते मैंने स्नैपशॉट ओपन कर लिया फोटो को। फोटो ओपन करने का टूल्स में चले जाना, जाने के बाद इसको जो इसका हाईलाइट एंड शेडो जो सॉरी जिसका जो क्वालिटी है उसको हम बढ़ा लेंगे, डिटेलिंग को हम लोग बढ़ा लेंगे। उसको आप लोगों को डिटेलिंग को बढ़ाने का पूरा फेस में बात आप लोग डिटेल करेगा। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को पूरा जो आपका टी शर्ट में एंड बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे डिटेलिंग को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आपको फेस में मत करिए, बाकी हर एक जगह पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे वैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लो, सिंपली यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। करने के बाद बैक चले जाएंगे, जाने के बाद देख सकते हो मेरा फोटो कितना बढ़िया बन चुका। तो इसको पोर्ट्रेट में चले जाके जाने के बाद स्मूथनेस 1 पे क्लिक करिएगा। करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है फोटो की स्मूथनेस को थोड़ा सा कम करके और इसको जो आई क्वालिटी है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इससे क्या होता है आप लोग फोटो में जो आईस है जो आपका आई है वो आप लोग अच्छे क्वालिटी में बन के तैयार हो जाए। इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे फोटो को। एक्सपोर्ट किया हुआ फोटो को हम लोग क्या करेंगे, ऑटोटेक स्केचबुक ऐप में आप लोगों को ओपन कर लेना है। तो इसी में थोड़ा सा अभी जो है कमाल है, आप लोगों को देख सकते हो मैं कौन सा ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको ब्रश को साइज देख सकते हो मैंने क्या क्या रखा है। आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही रखिएगा, आपको हर एक फोटो के साथ ऐसा ही ब्रश का साइज़ के साथ आप लोग कम कर सकते हो। इसके बाद आप लोग इस फोटो में जहाँ पे आप लोग स्मूथ करना है आप लोगों को वहाँ पे जाके आप लोग अच्छे से स्मूथ कर लेना है पूरा फेस में, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो आप लोग जितना ज़्यादा टाइम देकर इसको करेंगे आपका स्किन जो है उतना ही ज़्यादा अच्छे से स्मूथ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को थोड़ा सा, इसलिए आप लोगों को फर्स्ट दिख रहा है इस वीडियो थोड़ा। तो देख सकते हो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। आप लोग अगर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं है तो मैं अभी आप लोग जो कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। मैं आप लोग कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। आप लोगों को भी अच्छे से सिंपली कर लेना है पूरा फेस में, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोगों को स्मूथ चाहिए, ठीक है, अच्छे से स्मूथ कर लेना है पूरा फेस को। थोड़ा सा धीमा प्रोसेस है, आप लोगों को अच्छे से करना है आप लोगों को पूरा एरिया पे। तो अब तक अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, बताइए मुझे। और आप लोग कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं मेरे से। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, ठीक है, इस वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग को हर दिन ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग एडिटिंग के रिलेटेड और भी वीडियो आप लोगों को इसमें चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हेयर को जो आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो इसको देख सकते हो मैंने कौन सा ब्रश को लिया, ठीक है। उस ब्रश का जो आप लोग साइज़ देख सकते हो मैंने क्या रखा है। उसके बाद आप लोग हेयर में आप लोग अप्लाई कर देना इसको। तो देख सकते हो मैं कैसे कैसे हेयर को आप लोगों को एडिट करके दिखाता हूँ। मैं आप लोग देखिए सिंपली थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 मिनट टाइम लगता है इसमें आप लोग को, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को बस ब्रश को यहाँ पे अप्लाई कर देना। आपका जो यहाँ पे एक खास बात है कि आप लोगों को जो आपका हेयर जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप लोगों जो है आप लोगों आपका हाथ को लेके जाना है उसी साइड पे, तो आप लोगों का जो फोटो है वैसा ही बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हो मैं जैसे जैसे हमारा जो पूरा हेयर पहले वाला हेयर जैसे था जिस डिज़ाइन में था उसी डिज़ाइन में आप लोग लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो हेयर है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ज़्यादा अच्छे से देखने में लगेगा, ठीक है। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग पूरा समझने की कोशिश करिए, बस मेरी बातों को मत सुनिए क्योंकि मैं इतना टाइम से मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा बहुत गलती हो सकती है मेरे बातों में, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखने की कोशिश करिए मैं क्योंकि मैंने इसको देखने के लिए बनाया अच्छे से, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर पूरा एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है। इस फोटो को आप लोग सेव कर सकते हो जहाँ पे, तो नहीं ऊपर देख सकते हो यहाँ पर सेव वाला बटन मैं दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जाके सेव एंड शेयर टू डिवाइस कर लेना है। और देख सकते हो कितना बढ़िया बन चुका है। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।